कैसे पढ़े कि जिंदगी भर याद रहे। लगभग सभी दोस्तों की शिकायत यही होती है कि वह पढ़ते हैं परंतु परीक्षा तक सब पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह पढ़ा हुआ है पर लिखना क्या है याद ही नहीं आता। तो ऐसे कौन सी टिप्स हैं या ऐसे कौन से मूल मंत्र हैं जिनसे हम एक बार का पढ़ा जीवन भर याद रख सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अक्सर देखा जाता है जब भी विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ अलग अलग स्रोतों से पढ़ना पड़ता है और कई बार उन्हें बहुत कुछ याद भी रह जाता है। ऐसे में साल भर पढ़ी हुई चीजें एक तरह से व्यर्थ हो जाती हैं क्योंकि आप परीक्षा के समय उन्हें नहीं लिख पाते और आपको उसके अनुकूल मार्क्स भी नहीं मिलते। प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी या आपको कितना ज्ञान है। परीक्षा को आपके ज्ञान का तनिक भी अंदाजा नहीं होता, वह आपका मूल्यांकन आपके द्वारा दिए गए आंसर्स के माध्यम से करता है। अगर आपने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है तो आप उसकी नज़र में अधिकतम अंक पाने योग्य होते हैं, अन्यथा आप एवरेज मार्क्स या उससे भी कम अंक पा सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों के समक्ष यह प्रश्न लाजमी है कि हम एक बार पढ़ी हुई चीज़ें कैसे याद रखें। जो टॉपर्स होते हैं वे कैसे अच्छा उत्तर सब चीज़ों को याद करके लिख लेते हैं। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में या उन फैक्टर्स के बारे में जिनसे हम सभी चीज़ों को लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। हमारा पहला फैक्टर है इंटरेस्टिंग। सभी विद्यार्थी एक ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में एक ही अध्यापक से विषय विशेष की पढ़ाई करते हैं, पर कुछ विद्यार्थी पढ़ाए हुआ सब कुछ याद रखते हैं और कुछ को याद भी नहीं रख पाते। हो सकता है हम वह विद्यार्थी हों जिन्हें कुछ याद रह जाता हो या कुछ भी याद नहीं रहता। आइए अब हम इसका कारण जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, उत्सुकता और रुचि आपके पढ़े हुए को याद रखने के लिए आवश्यक घटक है। हम जो कुछ भी करते हैं या पढ़ते हैं यदि हमें उसमें उत्सुकता या रुचि ना हो तो हम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें या याद करें, कुछ समय पश्चात ही हम वह पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। इसलिए हम जो कुछ भी याद करते हैं या उसे करना चाहते हैं उसमें हमें अपनी उत्सुकता बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे खूब मन लगाकर इंटरेस्ट के साथ याद करें तो निश्चित ही जल्द ही हम उसे याद कर पाएंगे। हमारा दूसरा है अटेंशन। दोस्तों, अपने पाठ्यक्रम के विषय को याद करने के लिए उसमें अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जब हम कभी भी पढ़े तो आसपास ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा ध्यान पाठ्यपुस्तक से भटके। इसलिए जो भी पढ़े पूरी अटेंशन के साथ पढ़े। दूसरा है कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। जब हम पढ़ रहे हों या याद कर रहे हो तो अपने दिमाग में अन्य चीज़ें आने का अवसर नहीं प्रदान करना चाहिए, अर्थात ख्याली पुलाव, सपने में गुम होना नहीं चाहिए, क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब हम एकाग्र होकर कठिन परिश्रम द्वारा अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। जब हम अपने सपने देखते हुए पढ़ते हैं तो हमारी नज़र तो पुस्तक पर होती है पर दिमाग सपनों पर होता है, इसलिए उस समय पढ़ा हुआ कुछ याद भी नहीं रहता। गुड एनवायरनमेंट। जब आप अध्ययन करें तो यह प्रयास करें कि आपका स्टडी रूम एकदम शांत हो, बाहर का भी शोर आपको सुनाई ना पड़े। पढ़ते समय आप फोन, टीवी से भी अपने को दूरी बना के रखें जिससे हमारा ध्यान न भटके और हम एकाग्र हो जाएं। आपका पढ़ते समय स्टडी रूम कैसा होना चाहिए या एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए आप उस पर हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा अगला फैक्टर है गुड हेल्थ। दोस्तों, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का घर होता है। यानी दोस्तों, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं। इसलिए हम सभी को अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब हम स्वस्थ होंगे तो जो कुछ भी याद करेंगे वो हमारे मस्तिष्क में जल्दी से स्टोर हो जाएगा जिसे हम जल्दी से नहीं भूल सकते। दोस्तों, ये सारी ऐसी टिप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके कुछ भी आजीवन के लिए याद कर सकते हैं। अगर आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, एसएफओ यूपीएससी सिविल सर्विसेज और मनीष रंजन की ढेरों किताबें जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप इन सभी को किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।